आज शाम थम जाएगा लोकसभा चुनाव का प्रचार। 1 जून को होगा अंतिम चरण के लिए मतदान। फाइनल राउंड में 8 राज्य की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। 4 जून को आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। 7वें चरण के लिए 1 जून को 57 सीटों पर मतदान होने वाला है। आखिरी चरण में कुल 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी सीट से लेकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की डायमंड हार्बर सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती का फैसला भी 1 जून को ही पाटलिपुत्र सीट पर होने वाला है। अगर पिछले लोकसभा नतीजों की बात करें तो इन्हीं 57 सीटों पर बीजेपी और एनडीए का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। कहना चाहिए उस आखिरी चरण में तब पार्टी ने एक निर्णायक बढ़त हासिल कर ली थी। पिछले चुनाव में 57 सीटों में से बीजेपी ने अपने दम पर 25 सीटें जीती थी, तो वहीं अगर एनडीए के आंकड़े को जोड़ें तो उसका आंकड़ा 32 सीटों तक पहुंच गया था। वहीं यूपीए को मात्र 9 सीटों से संतोष करना पड़ा था। अन्य दल के खाते में 14 सीटें गई। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज शाम थम जाएगा लोकसभा चुनाव का प्रचार। ऐसे में आज तमाम कार्यक्रम दिग्गजों के तय किए गए हैं। 1 जून को अंतिम चरण के लिए मतदान होगा।